रिसेंटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिल्कवर्म ईटिंग स्ट्रेटजी टर्म बहुत फेमस हो रहा है और चाइना इसका रेगुलर यूज भी कर रहा है। तो क्या होता है सिल्कवर्म स्ट्रेटजी और किस तरह चाइना इसका इस्तेमाल करके अपने पड़ोसियों पर कब्जा कर रहा है, जानने से पहले स्क्रीन पर जो रेड बटन दिख रहा है उसको टच कीजिए। एक कंट्री अपनी टेरिटरी से बाहर दूसरी कंट्री की टेरिटरी में रोड कंस्ट्रक्ट करने लगती है और जगह और टाइमिंग ऐसी होती है कि मिलिट्री बेस भी बहुत कम होता है, जिस वजह से वहां पर वॉर होने का भी खतरा नहीं रहता है और बिट बाय बिट दूसरी कंट्री की टेरिटरी अक्वायर करने लगता है, फाइनली उस लैंड पर अपना क्लेम जमा देता है। ठीक उसी तरह जैसे एक सिल्कवर्म शहतूत की पत्ती को धीमे धीमे खा जाता है, सेम स्ट्रेटजी का यूज करके चाइना ताइवान को कॉन्कर कर रहा है। इसी स्ट्रेटजी का यूज वो इंडिया में कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी करता रहता है। इस स्ट्रेटजी को डिवाइड एंड कॉन्कर भी कहते हैं। लेकिन चाइना सिक्किम से पंगा क्यों नहीं लेता है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है।